वेलकम टू माय चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ एंड न्यू एरियाज़, जो कि टॉपिक है जेनेटिक एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ का। जो सब्जेक्ट है ये है लॉ एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, डिज़ाइनर बेबी, abortion, cloning, artificial reproductive technologies. Okay, so let's move further. So हम जो syllabus का ये वाला part है जो हम अभी cover करने वाले हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। बाकी जो ये ऊपर के part है आप please go, आप playlist में ऊपर check करना, आपको videos मिल जाएंगी। So let's start. Introduction में है medical technologies encompass a vast एरे ऑफ इनोवेशन डिज़ाइन टू एनहांस हेल्थ केयर। हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा आगे डेवलप हुआ है, ठीक है। डायग्नोसिस, डिसीज़ एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशन। दीज टेक्नोलॉजीज कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एरियाज़ दैट शेप द लैंडस्केप ऑफ मेडिसिन। मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हेल्थ केयर मतलब डिसीज़ को फिगर आउट करना, डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना, उनको अच्छे से अच्छी कंडीशन में लेकर आना पेशेंट को, तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है मेडिकल लाइन में, फील्ड में, जो पेशेंट्स की हेल्प कर रही है रिकवर होने में, ठीक है। सो एक नया शेप मिल रहा है लाइक मेडिकल फील्ड को। सो नाउ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है, लेट्स चेक। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है वेयर अ हेल्दी ऑर्गन, एक हेल्दी ऑर्गन यानी बॉडी का एक हेल्दी पार्ट ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है, जो कि एकदम ठीक है, वो रिमूव किया जाता है एक बॉडी से, ठीक है, जो देना चाहता है, जिसकी बॉडी है वो खुद अपनी मर्जी से देना चाहता है, उसे डोनर बोल रहे हैं। एंड इम्प्लांटेड इनटू अ रिसेप्ट टू रिप्लेस अ डैमेज और फेलिंग ऑर्गन। और फिर उसे ऐसी उसको दिया जाता है जिसकी बॉडी में वो ख़राब हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जिसकी बॉडी का वो टिश्यू ख़राब है या फिर कोई ऑर्गन है जो नहीं ठीक से वर्क कर रहा है, और दूसरा पर्सन उसे दे सकता है, डोनेट कर सकते हैं, तो वो डोनेट करता है, ठीक है ना। ऑर्गन मैचिंग, कंपेटेबिलिटी बिटवीन द डोनर एंड रिसिपेंट इज़ क्रूशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिजेक्शन। देखो, एक तो जो दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों का ऑर्गन मतलब ऑर्गन्स का, ब्लड ग्रुप्स का, इन सब का ना मैच होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो पर्सन डोनेट कर रहा है और जो पर्सन की बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उस रिक्वायरमेंट वाली बॉडी को एक्सेप्ट ही ना करे। जैसे एग्जांपल है ए और बी, दिस पर्सन वांट्स टू डोनेट एंड दिस पर्सन वांटेड दैट ऑर्गन, तो फिर अब वांट्स दैट ऑर्गन, तो फिर अब क्या है कि ए तो देना चाह रहा है लेकिन क्या पता बी की बॉडी कुछ अलग टाइप की हो कि वो उसे एक्सेप्ट ना करे, ब्लड ग्रुप मैच ना कर रहा हो या कुछ और रीज़न हो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है कि मैच करे वो चीज़, बी की बॉडी पर वो चीज़ इफेक्ट डाले, अच्छा इफेक्ट डाले। सर्जरी, स्किल्ड सर्जन्स परफॉर्म द ट्रांसप्लांटेशन। बहुत अच्छे लेवल के जो सर्जन्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्किल और एक्सपीरियंस सर्जन इस ट्रांसप्लांट के जो ट्रीटमेंट है इसको परफॉर्म करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। कनेक्टिंग ब्लड वेसल्स एंड इंश्योरिंग द न्यू ऑर्गन फंक्शंस प्रॉपर्ली, क्योंकि दे हैव टू मेक श्योर, दे हैव टू स्टडी द थिंग्स फ्रॉम बोथ द बॉडीज़ एंड दे हैव टू मेक श्योर कि जब दूसरी बॉडी में वो ऑर्गन जाए तो वो अच्छे से फंक्शन करे, वेस्ट ना हो जाए, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप किसी की बॉडी से कोई ऑर्गन निकाल के किसी दूसरे को दे रहे हो। सो ऑफकोर्स वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, लाइफ सेविंग। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन बी ओनली ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद सीवियर ऑर्गन फेलियर। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव अ पेशेंट्स हेल्थ एंड वेल बींग, ठीक है। ये लाइफ सेविंग है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो एक अकेला एक ऑप्शन है इंडिविजुअल का, जो कि लाइक ऑर्गन कोई फेल हो जाता है, कोई बहुत ऐसा कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ ना बचे, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू हम उसकी लाइफ बचा सकते हैं। कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है बॉडी का। एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है तो वो क्वालिटी लाइफ की इम्प्रूव कर देता है, एक पर्सन हेल्दी लाइफ जी पाता है, लंबा जी पाता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड डोनर ऑर्गन्स। ऑफकोर्स हर किसी को तो डोनर नहीं मिलेगा ना, हर कोई तो देगा नहीं। सो शॉर्टेज ऑफ डोनर ऑर्गन्स, जो हर कोई डोनेट नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो और इतना इजी चीज़ नहीं है डोनेट करना अपनी बॉडी के पार्ट को, सो ऑब्वियसली शॉर्टेज है एंड सिग्निफिकेंट चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है जब किसी को रिक्वायरमेंट हो उसी टाइम पे कोई रेडी हो डोनेट करने के लिए। रिजेक्शन risk. The recipient's immune system may reject the ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन. एज आई टोल्ड यू अभी पिछली स्लाइड से भी कि बी की बॉडी जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे ए और बी का लिया था ना, कि ए देना चाहता है बट बी की बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, उसकी इम्यूनिटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी. इट्स अ बिग चैलेंज. तो अगर मिल भी जाए और एक्सेप्ट ना करे तो भी बी के ऊपर डेंजर है. ओके, नेक्स्ट, लीगल एस्पेक्ट्स. ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉज regulate organ donation and transplantation to ensure fairness and prevent illegal practices. जो organ transplant laws हैं वो regulate करते हैं organ donations and transplantation to ensure fairness and prevent illegal practices. कुछ गलत काम ना हो, कोई illegal practice ना हो. ऐसा भी आजकल होता है ना कि उनको मतलब किसी ज़रूरतमंद को देने की बजाय उनको बहुत, या तो ज़रूरतमंद को देते भी है तो एक्सट्रीम एक्सपेंसिव उसमें प्राइस में प्रोवाइड करते हैं कि वो ले ही नहीं पाते. तो कुछ गलत यूज़ ना हो, बस उसका एक लीगल एस्पेक्ट है ये. ठीक है, फेयरनेस होनी चाहिए उस जगह पे और इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कि जो दे रहा है, जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसका कंसेंट, उसकी परमिशन उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन अगर कोई पर्सन मरने के बाद भी दे रहा है ना उसकी बॉडी में से, तो भी वो पहले मरने से पहले अगर वो कुछ साइन करके जाएगा ना कि आई वॉन्ट टू डोनेट माई ऑर्गन्स आफ्टर माई डेथ, तभी वो ऑर्गन्स डोनेट किए जाएंगे. उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, एंड रिसिपिएंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. और फिर जब जिस जो पर्सन लेगा उसको वो मिलना चाहिए. ठीक है, रिसिपिएंट्स मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स एंड ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ठीक है, वो कंसेंट मिल जाना चाहिए उसको भी कि हाँ भाई जिसका ऑर्गन मुझे मिल रहा है उसका पूरा पूरा कंसेंट है, उसकी मर्ज़ी है. ठीक है, वरना ऑर्गन ट्रैफिकिंग कहलाई जाएगी, जो इलीगल है. किसी के बिना पूछे उसके ऑर्गन को कहीं भेज देना निकाल के, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गन ट्रैफिकिंग विच इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड विच इज़ इलीगल ऑल्सो. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स. मीनिंग एक्सपेरिमेंटेशन on human beings involves conducting medical studies or trials to test the safety and efficiency of new treatments or intervention. ठीक है ना, human beings के ऊपर study किया जाता है, नई नई technologies, नई नई चीज़ों को, treatment को देखा जाता है, study किया जाता है, trial लिए जाता है, taste कि जो भी चीज़ है वो new treatments जो है कैसे work कर रही है, new inventions कैसे work कर रही है. So ethical review. Studies must undergo throughout ethical मतलब तरीके से, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, उनकी लाइफ के लिए डेंजरस नहीं होनी चाहिए. एक एथिक होता है, ठीक है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए. एथिकल रिव्यू बाय इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRBS टू इंश्योर पार्टिसिपेंट सेफली. इन्फॉर्म कंसेंट, तो जो पार्टिसिपेंट है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, द पर्सन जिसकी बॉडी पे हो रहा है टेस्ट, वो अपनी कंसेंट दे पहले, तो वो अंडरस्टैंड करे कि इससे अगर कोई रिस्क भी है तो क्या रिस्क है, एंड बेनिफिट्स भी होते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं. जो वॉलेंट्रीली अपनी कंसेंट दे कि आई वांट टू कम एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस टेस्ट. नेक्स्ट, एडवांटेजेस. एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, तो इसके एडवांटेजेस क्या है. मेडिकल एडवांसमेंट्स. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू साइंटिफिक नॉलेज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स. जो एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ होती हैं वो साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है और वो नए नए डेवलपमेंट करती है, नए नए ट्रीटमेंट्स निकालती है. क्लिनिकल ट्रायल्स एसेंशियल फॉर टेस्टिंग न्यू ड्रग्स थेरेपीज बिफोर दे वाइडली अवेलेबल. बाहर मार्केट में कोई चीज़ निकालने से पहले, कोई दवाई निकालने से पहले, कोई भी ड्रग्स हो गया, कुछ भी ट्रीटमेंट ऑल्सो, थेरेपीज़ ऑल्सो, सो द साइंटिस्ट हैव टू मेक श्योर वो पहले क्लिनिक में जाके चीज़ें टेस्ट होती है अच्छे से. क्लिनिकल टेस्ट जो भी प्रोसेस होता है उससे अंडरगो होती है कि दिस थिंग इज़ सेफ. पब्लिक के हाथों तक पहुँचने से पहले चीज़ सेफ़ होनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले. एंड देन कम्स एथिकल कंसर्न्स. डिसएडवांटेजेस में आ गए हम, तो एथिकल कंसर्न्स क्या है. रिस्क टू पार्टिसिपेट एंड पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉयटेशन और एथिकल चैलेंजेस. अब बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स, कुछ कंपनीज़ हैं, कभी कभार आपने किसी मूवीज़ में भी देखा होता है, ऐसा होता भी है कि प्रॉफिट के चक्कर में वो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करती है. कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले लेते हैं लोग, और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, अननोन साइड इफ़ेक्ट्स. सी साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो जाते हैं कुछ कुछ दवाइयों से. तो लीगल एस्पेक्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लॉ इन्फोर्स द रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू फुली अंडरस्टैंड एंड वॉलेंट्रीली एग्री टू पार्टिसिपेट. जो भी टेस्ट के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो अग्री होने चाहिए कि हम वॉलेंटरली, हम आगे से खुद से इच्छुक हैं आने के लिए इन चीज़ों के अंदर, इनका पार्ट बनने के लिए। ट्रीटमेंट का जो भी ट्रीटमेंट आगे डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं कि हम पहले ट्रायल बेसिस पे इन्हें करेंगे कि हाउ दिस विल वर्क एंड देन वील मूव टेक इट फर्दर फॉर लाइक ऑन अ रियल पेशेंट। ठीक है। सो एथिकल गाइडलाइंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मस्ट एडहर टू एथिकल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेशन। जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो आगे से अपनी मर्ज़ी से आया तो हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें लगता है कि दिस विल बी डेंजरस फॉर दैट पर्सन तो वी डेफिनेटली हैव टू स्टॉप इट देयर ओनली। देन आता है नेक्स्ट थिंग विच इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। मीनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट आर मेडिकल प्रोसीजर्स that identify the sex of a fetus during pregnancy। यानी कि fetus यानी कि मदर के वॉम में, पेट में क्या जेंडर है बच्चे का, गर्ल है या बॉय है, तो उसको पता लगाने के लिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। ठीक है। प्रोसेस अल्ट्रासाउंड। इसका प्रोसेस क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती है जो यूज़ होती है इमेज क्रिएट करने के लिए फीटस की। डीएनए टेस्टिंग। एडवांस टेक्निक्स कैन एनालाइज फेटल डीएनए टू डिटरमाइन सेक्स एक्यूरेटली। डीएनए टेस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट टू डिटरमाइन द सेक्स एक्यूरेटली। ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में क्या होता है? एडवांटेजेस क्या है इसके? फैमिली प्लानिंग हेल्प्स पेरेंट्स। अब अगर ये कोई कराता भी है कोई पेरेंट, वैसे आई थिंक इंडिया में इट्स नॉट लीगल, या इट इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, नॉट इवन आई थिंक, बट वैसे जहाँ भी ये लीगल है अगर वहाँ पे कोई कराता भी है तो ये एडवांटेजेस क्या है इसकी कि ये पेरेंट्स को हेल्प करती है कि वो बेबी के आने से पहले ही फैमिली प्लान कर लें, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है। मेडिकल रीजंस। इन सम केसेस नॉलेज ऑफ बेबी सेक्स इज़ एसेंशियल फॉर मेडिकल डिसीजंस। कुछ आगे चल के कोई कॉन्सिक्वेंसेज है, कुछ डिसीजंस हो तो लाइक कि आप पता होना चाहिए आपको बेबी का जेंडर, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस। जेंडर सिलेक्शन। अब इसके डिसएडवांटेजेस बल्कि ज़्यादा है तभी इंडिया में लीगल कराए इसे। जेंडर सिलेक्शन। मिस यूज़ ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर जेंडर सिलेक्शन कैन लीड टू स्क्विड सेक्स रेशो। मतलब ना लोग क्या होता है कि पीपल आर लाइक इंडियन पीपल्स आर आई एम नॉट अभी के लिए हम मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा अभी होता है या कितना होता है, किस रेशो में होता है ज़्यादा, अभी तो इतना नहीं है। ये चीज़ पहले ऐसा हुआ करता था कि जैसे जेंडर पता चलता है जैसे, और स्पेशली फॉर गर्ल्स लोग थोड़े बायस हुआ करते थे इंडिया में, ये सबको ही पता है, तो उस टाइम पर उनको गर्ल के होने से पहले या तो उसे वॉर्म में ही मार दिया करते थे या बाहर आने के बाद मार दिया करते थे क्योंकि उन्हें गर्ल नहीं चाहिए थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये टेस्ट बंद किए थे जस्ट टू स्टॉप किलिंग गर्ल्स। ठीक है। ताकि जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है ना, सेक्स रेशो जो है जेंडर्स की जो है, वो बैलेंस हो पाए, बिकॉज हमें जितने बॉयज़ वर्ल्ड में है गर्ल्स भी तो उस अकॉर्डिंग ही चाहिए, और जितनी गर्ल्स है उस अकॉर्डिंग बॉयज़ भी चाहिए। सेक्स रेशो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एथिकल कंसर्न्स। कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यू टू पोटेंशियल मिसयूज़ ऑफ एथिकल डिलेमास। बहुत सारे इसके ऐसे मिसयूज़ होते हैं जो मतलब अनगिनत, सो उन चीज़ों को रोकने के लिए। नाउ लीगल एस्पेक्ट्स। जेंडर सिलेक्शन लॉस। सम रीजन्स रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट सेक्स डिटर्मिनेशन फॉर नॉन मेडिकल रीज़न। कई जगह पे नॉन मेडिकल रीज़न की वजह से भी इसे रोक दिया गया है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना इंडिया में इट इज़ इलीगल, तो ये कोई मेडिकल रीज़न थोड़ी ना था इसका कि इसे रोक दिया गया है। इट इज़ अ नॉन मेडिकल रीज़न ओनली बिकॉज जो पहले के पुराने जो विचार हैं हमारे, वो ये लोगों को मानना ये है कि मतलब दे डोंट वांट गर्ल्स। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे एजुकेटेड है फिर भी उनको गर्ल्स नहीं चाहिए, तो इस वजह से ये रोका गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप मत पता लगाओ कि क्या है क्या नहीं, वो जो चाइल्ड है वो चाइल्ड आपका ही है चाहे गर्ल हो या बॉय हो। देन पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट एनफोर्स्ड इन सम कंट्रीज टू रेगुलेट द यूज ऑफ parental diagnostic techniques. Okay, so very confusing pronunciation. All right. ठीक है। तो ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं इसके जो कई कंट्रीज़ के अंदर बंद कर दिए हैं इन चीज़ों को, खासकर ताकि ना पता लग पाए क्योंकि मिसयूज़ हो रहा था। नेक्स्ट Designer baby. Meaning, a designer baby refers to the concept of selecting or modifying specific traits in a baby before birth using genetic technologies. आजकल हम अपने पसंद के अपने जो हमारे बेबीज़ हैं जो बॉर्न होते हैं हम उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं राइट कि वी वांट दिस थिंग्स, इसका जीन्स इस तरीके से चेंज कर दो, इस तरीके से मोल्ड कर दो, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं कि वी वांट दिस टाइप ऑफ आईज, नोज एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. ठीक है, तो लेट्स सी कि अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं. उसे एक तरीके से डिज़ाइन करा है, डिज़ाइनर बेबी करके आया है कि नॉट नेचुरली दिस प्रोसेस, ऑफ कोर्स इट्स नॉट नेचुरली, या बेबी इज़ कमिंग आउट नेचुरली, बॉर्न जो नेचुरली हो रहा है बट उसके अंदर जो चेंजेस है वो तो ऑफ कोर्स नेचुरली नहीं है ना. प्रोसेस क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल्टरिंग द DNA ऑफ एम्ब्रॉयज टू अचीव डिज़ायर्ड ट्रेड्स. जैसी ट्रेड्स आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप DNA को चेंज कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, इनफैक्ट नॉट properly change. Pre-implantation genetic diagnosis, screening embryos for specific genetic traits before implanting. आपको उसको प्रोसेस के अंदर ही स्क्रीन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा what are the changes you can make, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे फिर आप आगे उसे. ठीक है, आपको इम्प्लांट करना पड़ता है उसमें बेसिकली. ओके, सो नाउ कम्स दी एडवांटेजेस. डिसीज़ प्रिवेंशन, पोटेंशियल टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि ना डिसीज़ ये बहुत बड़ा वो है कि अगर आप उसका DNA चेंज कर देंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे तो डेफिनेटली आप ये भी नहीं चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम आप में है कोई ऐसे जेनेटिक डिसीज़ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, जीन्स के साथ आगे बढ़ता है जनरेशन टू जनरेशन, तो वो ख़त्म हो जाएगा. वहाँ पर आप उस चेन को तोड़ सकते हैं राइट, या फिर उसके चांसेस कम करवा सकते हैं किसी तरीके से अगर पॉसिबल हो तो. इन्हांस ट्रेड अलाउज फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स. हम अपने अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल बनावट इन सब पे ध्यान दे सकते हैं. डिसएडवांटेजेस, एथिकल कंसर्न्स, रेजेस एथिकल डायलेमास अबाउट डिज़ाइनिंग ह्यूमन बींग्स. मतलब क्या ये एथिकल है, क्या ये सही है? फिर unintended consequences, long term effects, unintended consequences are not fully understood. अब हमने एक बार तो करवा लिया बट उसका consequence क्या होगा, long term effects क्या होंगे, we don't know. ठीक है, वो आगे बड़े होने के बाद बेबी बाहर आएगा, फिर थोड़ा ग्रो होगा, क्या कुछ इश्यूज़ तो नहीं आ जाएंगे. we have to make sure because natural process से थोड़ा क्या काफ़ी अलग हो गया ये. The legal aspects, regulatory framework, strict regulations and ethical guidelines govern. बहुत strict regulations होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी guidelines होती हैं इनके ऊपर, तभी ये चीज़ें होती हैं और I think ये काफ़ी expensive भी होता होगा. And I think जितनी मुझे knowledge है शायद इतना common नहीं है, बाकी देखते हैं. International consensus, ग्लोबल डिस्कशन ऑन द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ मैनिपुलेटिंग ह्यूमन जेनेटिक्स. इसके ऊपर कुछ ग्लोबल डिस्कशंस भी हुए हैं कि इज़ इट सेफ और नॉट एंड एवरीथिंग, बट इसके ऊपर अभी भी स्टडी हो रही है, काफ़ी स्टडी चल रही है इसके ऊपर. ठीक है, अब आता है अबॉर्शन. मीनिंग, अबॉर्शन इन्वॉल्व्स द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. आई थिंक ये बहुत कॉमन टर्म है जो हम सबको पता है कि जब आपको अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी होती है, आपको अबॉर्ट कराना होता है, जो किड है, जो बच्चा पेट में है, जो वॉर्म में है, जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप में नहीं हुआ है, यू वांट टू डिसकंटिन्यू योर प्रेगनेंसी, तो उसे अब उस प्रोसेस को अबॉर्शन कहते हैं. ईदर स्पॉन्टेनियसली, यानी कभी कभार क्या होता है नेचुरली भी हो जाता है, एक अपने आप हो जाता है, आप गिर गए, वुमेन है उसकी वॉर्म में एक बच्चा है या फिर शी इज़ प्रेगनेंट एंड वो गिर जाती है या फिर कुछ गलत खा लेती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से खुद ही जो बच्चा है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है. तो वो जो अपने आप हो रही है उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है, वो मिसकैरेज है, या फिर अब वो कुछ मर्ज़ी से कराना चाह रही है, उसे कहेंगे अबॉर्शन. ठीक है, और इंड्यूस्ड. नाउ प्रोसेस, मेडिकल मेथड्स, मेडिकेशंस और सर्जिकल प्रोसीजर्स टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. अगर आपको अबॉर्ट कराना है तो इसको आपको ऑब्वियसली ऑपरेट के लिए जाना पड़ेगा, इसके लिए मेडिकल मेथड्स होते हैं. ठीक है, कुछ आई थिंक नॉट ऑपरेट, कुछ दवाइयों से भी हो जाते हैं आई गेस, और कुछ के लिए ऑपरेट भी कराना पड़ता है. लीगल अबॉर्शन, इन सम रीजन्स अबॉर्शन इज़ लीगली परमिसेबल अंडर सर्टेन कंडीशन. कहीं जगह पे अबॉर्शन लीगल है, कहीं जगह पे इलीगल है. ठीक है, इलीगल इसलिए कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अनवांटेड किड्स करके दे डोंट वांट टू बहुत ज़्यादा अबॉर्शन की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज जो किड है, जो जो स्टमक में है, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग, एक लाइफ है जो आगे चल के ग्रो करेगी। और कुछ जगह पे जहाँ पे लीगल है वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है उसको लेकर कि किन किन डिपेंड करता है जो मदर है उसकी एज और क्या फैक्टर रहा है प्रेगनेंसी का, रीज़न, एवरीथिंग डिपेंड करता है। कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है कि अगर वो कंटिन्यू करती है उस प्रेगनेंसी को तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी लाइफ को भी डेंजर हो और किड की भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको देखते हुए वहाँ पे लीगली अबॉर्ट किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस, वुमेन्स हेल्थ प्रोवाइड्स अ सेफ ऑप्शन फॉर वुमेन फेसिंग हेल्थ रिस्क और अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब अबॉर्शन का एक ये भी है कि कोई वुमेन है जो क्या कहते हैं, कोई हेल्थ इशू, बहुत बड़ा हेल्थ इशू फेस कर रही है, रिस्क है, उसकी हेल्थ रिस्क में है, और या फिर अनवांटेड, वो अनचाही प्रेगनेंसी है, शी डोंट वांट राइट नाउ, तो शी डजंट वांट, तो उस केस में भी वो अबॉर्ट करा सकती है। फैमिली, मतलब ये एक एडवांटेज है, अगर उस केस में वो अबॉर्ट करा सकती है। तो फैमिली प्लानिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस। अगर किसी को भी फैमिली प्लानिंग के लिए कोई रेडी नहीं है, दे वांट सम टाइम, पेरेंट्स वांट सम टाइम कि वी नीड सम फ्यू मोर ईयर्स एटलीस्ट देन वील वेलकम अ बेबी, तो फॉर श्योर वो उस टाइम पे भी अगर कराते हैं तो उनके लिए एक एडवांटेज ही है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एथिकल रिलीजियस कंसर्न, कंट्रोवर्शियल ड्यू टू डिफरिंग मॉरल एंड रिलीजियस बिलीव। कुछ रिलीजियस बिलीव है कि अभी नहीं करना, या फिर ये जेंडर नहीं करना, वो नहीं करना, अभी नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी अननेसेसरी, कोई मेडिकल इशू नहीं, कुछ नहीं। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी या कोई आपको वो चीज़ मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, तो आप ये नहीं है कि जब चाह बिना किसी रीज़न के यू आर डूइंग समथिंग, यू आर यूजिंग इट। सोशल स्टिग्मा, वुमेन में फेस सोशल स्टिग्मा टू लीगल रिप्रकशंस इन सम प्लेसेस। सोशली भी वुमेन को प्रेशराइज किया जाता है इन चीज़ों के लिए। नाउ कम्स लीगल एस्पेक्ट, अबॉर्शन लॉज वेरी वाइडली ग्लोबली, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग लॉज है इसके ऊपर, विच सम कंट्रीज परमिटिंग अबॉर्शन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। जहाँ पे ये लीगल है, जहाँ पे अलाउ किया है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस है, कुछ कंडीशंस को देखते हुए अलाउ किया जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव राइट्स, एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन बॉडीज। बाकी वुमेन को राइट है अपनी बॉडी के डिसीजंस खुद लेने का, या कि उन पर थोपे जाए फैमिली की वजह से कि वी वांट द किड नाउ, वी डोंट वांट, ऐसे करके कुछ राइट्स उनके भी हैं वुमेन के। देन क्लोनिंग, नाउ कम्स क्लोनिंग मीनिंग। क्लोनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। एक उसके जैसी एक कॉपी बना लेना जो आराम से पहचान में है कि उसके जैसी ही सेम मतलब चीज़ है, क्लोनिंग कहते हैं। एक तरफ से क्लोन, उसका हमशक्ल, ठीक है, उसकी कॉपी बना लेना, ठीक है, उसी ऑर्गेनिज्म की या फिर उसके कोई स्पेसिफिक पार्ट की या फिर कोई एक छोटी सी चीज़ की, किसी की भी सेम चीज़ बना लेना, उसे क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, क्रिएटिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, एकदम से उसी जीन से, या तो हाँ आइडेंटिकल मतलब कि उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम, कोई इंसान खड़ा कर दिया, कोई जानवर खड़ा कर दिया, ऐसा कुछ चीज़ जो उसके जैसी है। जैसे आपने किसी के ऊपर ये परफॉर्म किया एंड आपने उसकी क्लोनिंग कर दी, द अदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इज़ द सेम वर्जन ऑफ हिम। नाउ थेराप्यूटिक क्लोनिंग, प्रोड्यूसिंग सेल्स फॉर मेडिकल पर्पस, नॉट क्रिएटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म। आप बस इसमें सेल्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी एक मेडिकल पर्पस है, आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, ठीक है। नाउ कम्स एडवांटेजेस, ऑर्गन रीजनरेशन, इसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो ना ऑर्गन्स को दोबारा से जनरेट कर पाता है ट्रांसप्लांट करने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग राइट, इट्स एन एडवांटेज कि कोई नीडी है तो उसको ऑर्गन्स मिल जाएंगे। डिसीज ट्रीटमेंट हो जाएगा इससे। थेराप्यूटिक क्लोनिंग कैन प्रोड्यूस सेल्स फॉर ट्रीटिंग डिसीज़, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल्स प्रोड्यूस होंगे डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। दैन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? एथिकल कंसर्न्स, क्लोनिंग, मतलब हर चीज़ के डिसएडवांटेज होंगे, गलत मिसयूज़ करने वाले उसका बहुत लोग मिलेंगे आपको। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग रेजेस एथिकल क्वेश्चंस अबाउट क्रिएटिंग आइडेंटिकल ह्यूमंस। अब सेम ह्यूमन बींग बना दी क्लोनिंग की जो टेक्नोलॉजी उसे यूज़ करके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, कोई भी उस पार का मिसयूज़ कर सकता है कि सेम ह्यूमन बींग बना के उसकी फैमिली में भेज दिया या कुछ भी उसकी आइडेंटिटी यूज़ करवा के कुछ भी गलत करवा रहे हैं उस पर्सन से। एबनॉर्मलिटीज़, क्लोन ऑर्गेनिजम्स में हैव हेल्थ इश्यूज़ एंड एबनॉर्मलिटीज़, कोई ऐसा हेल्थ इशू क्रिएट हो गया, कुछ ऐसा एबनॉर्मल डिसीज़ हो गया जो अभी तक था नहीं और अब वो इन्फेक्शन फैला रहा है सब में, तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, इस टाइप का कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लोनिंग का लीगल एस्पेक्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। मेनी कंट्रीज़ हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, बहुत सी कंट्री है जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को पूरा रिप्रोड्यूस करना। रेगुलेशन ऑफ थेरापेटिक क्लोनिंग सब्जेक्ट टू एथिकल एंड लीगल ओवरसाइट टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूज़, अगर अलाउड भी है तो बहुत एथिकली, बहुत लीगल वे में, जितना आपको कंडीशंस के साथ बताया जा रहा है, जिन जिन कंडीशंस में बताया जा रहा है, आप सिर्फ आप उन्हीं कंडीशंस में उसको कर सकते हैं, इस क्लोनिंग को आप कर सकते हैं एंड मतलब इस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, द क्लोनिंग प्रोसेस। एंड टू इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल यूज़, हूसोएवर इज़ यूजिंग शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड द यूज़ शुड बी रिस्पॉन्सिबली डन। ओके, सो दिस मच इन दिस, आई होप समझ आ गया होगा। इन डेप्थ नॉलेज हमने इसके अंदर नहीं ली है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये बहुत सारी मेडिकल टर्म्स भी हैं इनकी, जो अगर मैं लॉ प्रस्पेक्टिव से सोचूं तो मैं कवर नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ लॉ प्रस्पेक्टिव से इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो वी कैन नॉट गो इन डेप्थ। सो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम एंड फॉर आर लीगल अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दिस मच इज़ इनफ व्हाट इज़ गिवन इन द सिलेबस एंड इन द टॉपिक। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको लगता है कि इन डेप्थ कराना चाहिए तो वो भी मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई डेफिनेटली डू। नाउ आता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART इन्वॉल्व असिस्टेड मेथड्स टू अचीव प्रेगनेंसी। अब ये नए नए मेथड्स हैं जिससे प्रेगनेंसी होती है। आपने अबॉर्शन पढ़ा था, वो ऑपोजिट था कि वी वांट टू डिसकंटिन्यू द प्रेगनेंसी, दिस इज टू गेट प्रेगनेंट। सच एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस क्या है अब इसका? देखो, ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है? लाइक टू गेट प्रेगनेंट। ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटिंग द ओवरीज टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग्स, मतलब आप यू आर डूइंग अ ट्रीटमेंट विद द ओवरीज ताकि वो मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, कंबाइनिंग एग्स एंड स्पर्म, ये तो हमने काफ़ी कॉमन मेथड है, सुना भी है हमने ये कि लाइक जो मेल के स्पर्म है, कुछ भी पेरेंट्स हैं जो जिनकी बॉडी में इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक वुमेन के कुछ भी इशू है मेन के, तो क्या होता है कि जो वुमेन का एग होता है एंड मेन का जो स्पर्म होता है उसको हम बाहर लाइक आउट ऑफ द बॉडी वी जस्ट किसी एक लाइक लैब के अंदर हम उनको वो करते हैं, पूरा मेथड प्रोसीजर जो भी है उनका करते हैं, ताकि किसी की वॉर्म में डाल के जो भी हमें मतलब जो भी लेडी अलाउ करती है परमिशन लेके उसकी वॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं उस स्पर्म को, उस एग को, ताकि वहाँ पे एक बेबी फर्टिलाइज हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं जो ये इन्होंने बताया अभी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटिंग द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, अब यू आर इम्प्लांटिंग द एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एडवांटेजेस क्या है इसके? ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स और कपल्स फेसिंग फर्टिलिटी चैलेंजेस। ठीक है ना, अब इसकी क्या इश्यूज़ है, मतलब सॉरी एडवांटेजेस है इसकी, ठीक है, कि प्रोवाइड्स ऑप्शन, कि वो कपल्स को ऑप्शन दे रही है फॉर इंडिविजुअल्स और कपल फेसिंग फर्टिलिटी इश्यूज़, मतलब हाँ ऑब्वियस सी बात है, जो पेरेंट्स मतलब जो भी कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं उनको चांस मिल रहा है पेरेंट्स बनने का, जो भी कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है जेनेटिक स्क्रीनिंग, अलाउज द जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयज टू सर्टेन कंडीशन, अब बाहर हो रहा है या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑब्वियसली अननेचुरल है, तो क्या कहते हैं हम इसमें जेनेटिकली भी चेंजेस करा सकते हैं, इट्स ईजी इनफ राइट। देन डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, ये वही पेरेंट्स कराते हैं जो लाइक जेन्युइनली दे वांट्स टू बी एंड नहीं हो पाता है, तो दे लाइक गो फॉर दिस ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इनका है। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है, इसके अंदर रिस्क आ जाता है कि मल्टीपल एक से ज़्यादा प्रेगनेंसीज का, जो हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से साइड इफेक्ट समझ सकते हो आप। लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका? फर्टिलिटी लॉज। अब फर्टिलिटी लॉ के अंडर आपको हर काम कराना पड़ेगा। गवर्न द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू इंश्योर एथिकल यूज़। इन प्रैक्टिसेस का एथिकल यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो उनका एक्सेस बहुत ही अच्छे हाथों में होना चाहिए, किसी के भी नहीं। डॉक्टर्स, माने हुए डॉक्टर्स, एक्सपर्टीज़ हो जिनकी, जिनके पास एक वैलिड लाइसेंस हो प्रैक्टिस करने का उन चीज़ों के साथ। वेरीज ग्लोबली विद सम रीजन्स एंड हैव लीगल रिस्ट्रिक्शंस। जिन जिन रीजन में अलाउड है उन रीजन में ही होना चाहिए, और जिनकी जो इनके लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सबको फॉलो करते हुए, और जहाँ जहाँ अलाउंस मिल रही है वहीं पर ही। ठीक है, दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को आज जितना हो सके उतना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करा सकूँ, अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। और मैं जो मेरी कोशिश रहती है वो रहती है कि मैं आपको ईजी से ईजी नोट्स दे पाऊँ। आप जो भी देखोगे मेरे नोट्स जो वीडियोस में होते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ईजी नोट्स दे पाऊँ, ईजी लैंग्वेज में, तो आपको समझ आ जाए, कम से कम पॉइंट्स में आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप, या फिर कोई सजेशन भी देना हो तो फॉर श्योर यू कैन गिव। थैंक यू।